ये मरे मरे हाथों से कैसे पैर दबा रहे? तू ढंग से नहीं दबा सकता? तेरे हाथों में दम नहीं है क्या? गुलाबो, बहुत जोर से भूख लगी है। 2 दिन से तुमने खाने को कुछ नहीं दिया। भूख के मारे हालत खराब हो रही है गुलाबो, कुछ खाने को दे दो ना। भूख लगी है तुझे, खाना चाहिए। वो देख सामने, कल रात के बासी चावल है, जा उन्हें खा ले। रखे तो थे वैसे कुत्ते के लिए, पर कोई बात नहीं, एक दिन कुत्ता नहीं खाएगा तो क्या हो गया, मगर तेरा पेट तो भर जाएगा ना। अब बैठे बैठे मेरा मुंह क्या देख रहा है, खा ले। कहीं कुत्ता आ गया ना तो समझ ले कि ये चावल भी गए तेरे हाथ से, मरियो फिर भूखा। चावल फेंक क्यों दिए, खाए क्यों नहीं? गुलाबो, चावलों में बहुत बदबू आ रही है, खाए नहीं गए। वाह रे तेरे नखरे, चुपचाप ना ये चावल खा ले, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तू जानता है ना मैं गिनती को मुर मारती ज्यादा हूँ। गुलाबो, ये चावल मुझसे नहीं खाए जाएंगे, अगर मैंने खा भी लिए तो मैं बीमार पड़ जाऊंगा। बीमारी तो पड़ेगा, मर थोड़ी ना जाएगा, खा ले चुपचाप। गुलाबो, तू मुझ पे इतने अत्याचार क्यों करती है? तेरे कहने पे मैंने अपनी जमीन जायदाद तेरे नाम कर दी, तेरा हर कहा मैं मानता हूँ, घर का सारा काम मैं करता हूँ, फिर भी तू मुझे इतने दुख क्यों देती है गुलाबो? वाह क्या बात है, मुझे तो आज ही पता चला कि तेरी इतनी लंबी जुबान भी है। अब एक बात ना कौन खोल के सुन ले तू, अगर आज के बाद तूने जबान से एक लफ्ज भी निकाला ना तो तेरी इसी जबान को खींच कर तेरे हाथों में दे दूंगी, समझा? और अब बैठा बैठा मेरे मुंह के देख रहा है, खड़ा हो घर के सारे काम कर, काम चोर कहीं का। गुलाबो, भूखे पेट मुझसे काम नहीं होगा, और एक बात सुन ले, आज से अभी से घर का सारा काम तू करेगी, तू। क्या कहा? मैंने ढंग से सुना नहीं, जरा दोबारा कहना। तूने मुझे थप्पड़ मारा? हाँ मैंने तुझे थप्पड़ मारा, क्या करेगी बोल। तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझ पे हाथ उठाएगा कागजी शेर? ये ले, मैंने एक बार और उठाया, तू क्या करेगी बोल। तूने मुझ पे दोबारा हाथ उठाया, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझ पे हुक्म चलाएगा, मुझे मारेगा? ठहर, तुझे मैं अभी बताती हूँ। अब मार के दिखा, उठा मुझ पे हाथ। क्यों, अब तेरी बोलती बंद हो गई कागजी शेर? गुलाबो, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ, सुधर जा वरना। वरना क्या कर लेगा तू, अब तेरी बोलती बंद होगी डंडा देखकर, हरामी कमीने कहेंगे, अब उठा हाथ कायर बुजदिल। आ, 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 आ,
गुलाबो, तूने मेरे प्यार और शराफत का नाजायज फायदा उठाया। अरे पति तो परमेश्वर होता है और तूने उसे घर का पालतू कुत्ता बना के छोड़ दिया। मैं तुझसे कितना प्यार करता हूं और तूने, अब इस घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं है। निकल जा मेरे घर से, निकल। मुझे माफ कर दो जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी, मैंने आपके प्यार और शराफत का नाजायज फायदा उठाया। मैं पापी हूं जी, मुझे माफ कर दो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।